नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रेज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, दो तीन स्टॉक अगेन स्विंग ट्रेड के लिए, जिसके अंदर तेजी का तूफान मंडरा हुआ है। एकदम मैड बुल जैसा सिचुएशन इसके अंदर बना हुआ, जबरदस्त मोमेंटम है, हर एक पैरामीटर पर मोमेंटम शो कर रहा है। स्विंग ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट लेके चलता हूँ। छोटे छोटे स्टॉक है, एकदम छोटे छोटे स्टॉक है। पहला स्टॉक जो है वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर की एक कंपनी है, ठीक है। जबरदस्त मल्टी बैगर रही है और जबरदस्त रिटर्न दे रही है। चलिए मैं आपको पहले चार्ट पैटर्न बता दूं। ये चार्ट जो आपको पैटर्न नजर आ रहा है, ये 3 EMA यानी 3 लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लस RSI का ये सेटअप है, ठीक है। इस पर कैसे हम काम करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। एक बार याद दिला दूं कि ग्रीन वाली लाइन जो है ये 200 डेज की EMA है, येलो वाली लाइन 150 डेज की है दोस्तों, और रेड वाली लाइन जो है ये 100 डेज की है, और नीचे वाला RSI है, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है? वर्क ऐसे करना है कि पहले इसकी क्राइटेरिया है कि रेड वाली लाइन नीचे से ऊपर जाकर ग्रीन वाली लाइन को और येलो वाली लाइन को क्रॉस करे, ठीक है ना, तो हमको पोजीशन बनाना है। सेकंड क्राइटेरिया इसका है कि एक लो बना हो और फिर उसके बाद दूसरा, जब स्टॉक ऐसे प्राइस गया दोबारा आया हो तो इस प्रीवियस लो को टच ना करता हो, यानी कि लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाकर चलता हो। तीसरी क्राइटेरिया कि क्रॉस ओवर होने के बाद, ठीक है, क्रॉस ओवर होने के बाद जाकर प्राइस थोड़ा सा ऊपर 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर अपने आप को सस्टेन करे, एक रेंज बनाए और रेंज का ब्रेकआउट दे तो। और चौथी क्राइटेरिया इसका है दोस्तों कि RSI डे टाइम फ्रेम पर हर हाल में 55 से ऊपर ही होना चाहिए, तब हम इसको कंसिडर करेंगे। चारों क्राइटेरिया यहाँ पर मैच कर रहा है, इसलिए मेरा स्टॉक सिलेक्शन का। देखिए, ऐसे स्टॉक ने एक बार लगभग डबल टॉप जैसा पैटर्न बनाया 100 का, ठीक है। वहां से इसके अंदर जबरदस्त गिरावट हुई और एक पीरियड में लगभग 33 रुपया का लो बनाया, जो मैं मार्कआउट कर रहा हूँ यहाँ पर। अब थोड़ा सा मैं चार्ट को जूम कर रहा हूँ, देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये वो लो है, लगभग यहाँ पर देख रहे हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और ऑलमोस्ट पांच बार इसने लो बनाने के बाद इसके अंदर तेजी आई। तेजी आने के बाद इसने 200 डेज के ऊपर क्रॉस किया और इसी बीच में मूविंग एवरेजेस का क्या हुआ, क्रॉसओवर यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे तरीके से हो गया। और हमने क्या बोला था कि ऊपर 200 निकलने के बाद कंसोलिडेट करें अपने आप को किसी भी टाइम फ्रेम पर। देखिए, कोई भी इसका वीक जो है ये 200 के नीचे नहीं गया है, यानी कि अपने आप को पूरी तरीके से यहाँ कंसोलिडेट किया हुआ है और इसी पीरियड में मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर भी हो गया है। साथ में वॉल्यूम का कैंडल भी देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त इसके अंदर वॉल्यूम है, तो इसी पर आप पोजीशन बनाएं यहाँ पर 57-58-60 रुपए पर ले, और यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर 48 का SL लगा ले, और यहाँ पर RSI भी तेज बना हुआ है। आने वाले वक्त में ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देकर देता हुआ दिख सकता है। पहला टारगेट मैं लेकर चल रहा हूँ इसके अंदर ये दोस्तों, जो कि 78-80 रुपया का है, ठीक है। और सेकंड टारगेट मेरा जो है इसका ऑल टाइम हाई का है। ऑल टाइम हाई का आप चाहते हैं तो इसमें अगले 15 से 20 साल इयर्स के लिए अपने बच्चों, अपने फ्यूचर, अपने रिटायरमेंट के फ्यूचर के लिए आप छोटा सा पैसा डाल के इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और लॉन्ग पीरियड के लिए बैठ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल की है, स्कूटर बनाती है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का इक्विपमेंट बनाती है, तो आने वाले वक्त में बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। एक और माइक्रो कैप दोस्तों, जिसका नाम है विकास लाइफ केयर, यहाँ पर देख सकते हैं डे टाइम फ्रेम सेम चार्ट पैटर्न। हालांकि इस तरह की माइक्रो कैप कंपनी या मैं चार्ट पैटर्न और टेक्निकल एनालिसिस कोई मैटर नहीं लगता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक बार लगभग 200-2.80 रुपए के लो बनाने के बाद इसके अंदर जबरदस्त एक मोमेंटम आया, 7 रुपया तक गया। 7 रुपया तक आने के बाद इसने वापस जो ब्रेकआउट किया तो उसको रिटेस्ट किया और इसी पीरियड में देख सकते हैं मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो गया, और रिटेस्ट करने के बाद कंसोलिडेट करने के बाद अब वापस इसके अंदर आग लगा हुआ है। आज भी इसके अंदर 10% से ज्यादा तेजी रही। इस पीरियड में RSI भी देख सकते हैं 80 पर चला गया है और जबरदस्त इसके अंदर वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं जबरदस्त वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नजर बना के रखिए, यहाँ पर अगर आपको मिलता है कैंडल, अगर कल आजकल में अगर रेट पर मिलता है तो आप यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, इसको लेकर चल सकते हैं दोस्तों, इसको ऑल टाइम हाई तक के आसपास में, ठीक है, 18 के आसपास में, क्योंकि एक बार ये निकल गया 8 रुपया के आसपास तो फिर इसके पास कोई रेसिस्टेंट नहीं है, तो आप इस टारगेट को भुना सकते हैं दोस्तों आने वाले वक्त में, लेकिन छोटा ही पैसा लगाइएगा। तीसरा स्टॉक है ऊर्जा ग्लोबल, ये भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की सेक्टर की कंपनी है, बैटरी बनाती है। यहाँ पर देख सकते हैं सेम पैरामीटर 18 रुपया पर चल रहा है, इसको टारगेट 32 रुपया का टारगेट लेकर आप जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि RSI भी 80 पर है और क्रॉस ओवर हो गया है, जो कि बहुत फायदेमंद होगा दोस्तों।